आईवीएफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि लड़का या लड़की होता है, कोई भी तकनीक ऐसी नहीं बनी हुई है जो हमें ये बता सके लैब में डालने के पहले कि ये भ्रूण जो है ये लड़का है या लड़की है। ये एक तरह का मिथ है जो दूर दूर तक फैला हुआ है और इसको पेशेंट्स को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। जो पेशेंट्स के लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है वो वैसे ही हो रहा है जैसे कि नॉर्मली एक हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, कभी लड़का पैदा हो जाता है कभी लड़की पैदा हो जाती है। इसमें कोई भी ऐसी साइंटिफिक तकनीक नहीं है। ये आईवीएफ उन कपल्स के लिए है जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, जो इनफर्टाइल हैं, जिनको कोई भी बच्चा चाहिए। आजकल के समय साइंस एडवांस हो गई है तो इसमें हम हेल्दी और अनहेल्दी बेबी स्क्रीन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम सेक्स सिलेक्शन स्क्रीन कर सकते हैं। साइंटिफिकली अभी बहुत सारी एडवांसेस आई हैं इस फील्ड में और ये काम इंडिया के बाहर भी कुछ डॉक्टर्स ऑब्वियसली वहाँ पे जो रिसर्च होता रहता है उसमें वो तरह तरह की तकनीक्स नई ईजाद कर लेते हैं, तो वो बाहर में जो भी कर रहे हैं उसका तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली हम वहाँ जाके कुछ देखे नहीं, वो क्या हो रहा है नहीं हो रहा नहीं बता सकते हैं। पर इंडिया में अभी इस तरह की कोई तकनीक नहीं आई है और जो लोग इस तरह की बातें कमिट भी कर रहे हैं वो इसको झूठ बोल रहे हैं, और करना या फिर झूठ बोलना ये दोनों ही गैर कानूनी है और इसके तहत जो झूठ बोल के भी ये काम कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं ये भी गलत है। इसमें वो खुद भी गैर कानूनी काम करके प्रॉब्लम में फंस सकते हैं और जो पेशेंट्स हैं वो भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इस तरह की काम न ही की जाए तो अच्छा है, क्योंकि इस तरह की तकनीक अभी आज के डेट में इंडिया में नहीं है और इस ये नहीं होना चाहिए। और अंत में ये आपको बता दूं कि इंडिया में एक PCPNDT नाम का कानून है। PC मतलब प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। PC में सारे IVF के सेंटर्स आते हैं, मतलब प्री कंसेप्शन। तो अगर आप ये सोचते हो सिर्फ अल्ट्रासाउंड मशीन्स इसमें इन्वॉल्व हैं तो वो नहीं है, सारे IVF सेंटर्स भी इस कानून के अंदर में आते हैं और जो डॉक्टर्स इस तरह के काम करेंगे वो भी इस कानून के अंतर्गत हिरासत में होने के लिए तैयार रहते हैं और जो पेशेंट्स भी इस तरह की मांग करते हैं उन पे भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये कानून बोलता है कि ये करना और जो लोग मांग कर रहे हैं दोनों ही इल्लीगल है और दोनों पे ही एक्शन हो सकता है।